प्रश्न एक चिठा प्रस्तुत कमिटी उपरे सम्यक धारणा दियो। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑन द ड्राफ्टिंग कमिटी। उत्तर संविधान प्रणयन सभा द्वारा गठित विभिन्न कमिटी मध्यरु चिठा प्रस्तुत कमिटी थिला गुरुत्वपूर्ण कमिटी। एही कमिटी रो अध्यक्ष थिले डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेदकर। चिठा प्रस्तुति कमिटी रो अन्यान्य सदस्य माने थिले बीएल मित्तल, एन गोपाल स्वामी आयंगर, एलडी कृष्णस्वामी आयार, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्या, डीपी खैतान ओ एन माधव राव। परवर्ती समय रे डीपी खैतान को मृत्यु परे टीटी कृष्णामाचारी एही कमिटी रो सदस्य होइथिले। संविधान प्रणयन सभारे चिठा प्रस्तुत कमिटी 1947 मसीहा अगस्त 29 तारीख रे गठित होइथिला। संविधान प्रणयन सभार संविधान परामर्श दाता भावरे बी एन राव सहायता करिथिले। संविधान को संपूर्ण करने को संविधान प्रणयन सभार मोट 11 अधिवेशन अनुष्ठित होई 1947 मसीहा अक्टोबर मासरे ड्राफ्टिंग कमिटी सम्मुखरे संविधान रो प्रथम चिठा दाखल करा जायथिला। एठारे 240 धारा ओ 13 अनुच्छेद थिला। प्रश्न 2 संविधान प्रणयन सभार कार्यधारा वर्णना करो। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उत्तर संविधान प्रणयन सभार सदस्य मानंक मध्यरु अधिकांश थिले विद्वान, आईन विशारद ओ विशिष्ट राजनीतिज्ञ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, चक्रवर्ती राज गोपालचारी, गोविंद वल्लभ पंथ, पुरुषोत्तम दास टंडन, के एम मुंशी, आचार्य कृपालिनी, टीटी कृष्णमाचारी भली कांग्रेस रो तुंग नेता माने संविधान सभार सदस्य थिले। कांग्रेस दल व्यतीत अन्य दल रो विशिष्ट नेता माने थिले सर्वपल्ली राधाकृष्ण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हृदयानंद कुंजरु, एन गोपाल स्वामी आयंगर, आलडी कृष्णस्वामी आयार, के टी साहा ओ भीमराव रामजी आम्बेदकर। महिला सदस्य मानंक मध्यरु श्रीमती सरोजिनी नायडू, हंस मेहट्टा, दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थिले। संविधान तयारी करिबा पई एहार निर्वाचित सदस्य मानंकर प्रथम बैठक पार्लियामेंट रो केंद्रीय हॉल रे डिसेंबर 9 तारीख 1946 मसीहा दिन अनुष्ठित होइथिला। एथिरे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अध्यक्षता करिथिले। परवर्ती समय रे डिसेंबर मास 11 तारीख रे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान प्रणयन सभार स्थायी सभापति रूपे दायित्व नेथिले। संविधान प्रणयन सभारे 8 मुख्य ओ अन्यान्य गौण कमिटी मान तयारी होइथिला। प्रश्न 3 संविधान रो संज्ञा दियो। डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन। उत्तर संविधान हेउछि प्रत्येक राष्ट्र रो मौलिक आईन बा फंडामेंटल लॉ। राष्ट्र शासन ओ सरकार परिचालना लागि आवश्यक नीति नियम गुड़ी को संविधान कहा जाए। एहा राष्ट्र रो गठन पद्धति, सरकार को क्षमता संपर्क रे एहा आलोचना करी थाए ओ नागरिक मानंकर अधिकार ओ कर्तव्य संबंध रे मध्य उल्लेख करी थाए। संविधान माध्यम रे सरकार को क्षमतार वैधिकरण होई थाए। संविधान मध्य एक मौलिक शासन दलील। संविधान को आधार करी देशर शासन कार्य परिचालना हुए। विभिन्न राजनीति विशारद माने संविधान रो संज्ञा प्रदान करिया को जाई भिन्न भिन्न मत पोषण करिसंती। गिलख्रिस्ट को मतरे संविधान रे सरकार गठन, क्षमता विभाजन और साधारण नियम संबंध रे उल्लेख थाए। विख्यात संविधान विशेषज्ञ लॉर्ड ब्राइस कहिसंती जे जेऊ आईन और परंपरा अनुसारे राष्ट्रर जीवनधारा प्रभावित हुए किंबा जेऊ जटिल समष्टिगत नीति और नियमावली द्वारा समाज संगठित शासित और संघत हुए ताहाकु संविधान कहा जाए। प्रोफेसर केसी होयार
मतरे जेउं नियमावली शासन क्षमता व्यवहृत हेबार उद्देश्य ओ अंगगुड़िक नियंत्रित करे ताहा ही संविधान। प्रश्न 4 संविधान रो उत्सगुड़िक आलोचना कर, डिस्कस द सोर्स अफ द कन्स्टिट्यूशन। उत्तर, भारतीय संविधान मौलिक भावरे संविधान प्रणयन सभा द्वारा तैयारी होइतिले हे, एथिरे सन्निवेशित विभिन्न धारा ओ विधि व्यवस्था पृथ्वीर विभिन्न देशर संविधान रो अनुकरण रे प्रस्तुत होइछि। संसदीय शासन प्रणाली, कैबिनेट व्यवस्था, आईन रो शासन आईन प्रणयन पद्धति तथा बाचस्पति कार्यावली प्रभृति ब्रिटिश संविधान रु उद्धृत करा जाइछि। भारतीय संघीय व्यवस्था, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति कार्यावली, न्यायिक क्षमता इत्यादि आमेरिकीय शासन व्यवस्था रु अणा जाइछि। सेहिपरी संविधान रो मुखबंध रे उल्लेखनीय जे आमे भारतवासी मध्य अमेरिका संविधान रु उद्धृत। आयरलैंड संविधान रु राष्ट्रीय निर्देशावली अध्याय और राज्यसभा को मनोनीत होउथवा 12 जन सदस्य व्यवस्था विषय रे आसी अछि। भारतीय संविधान रो जरूरी कालीन परिस्थिति संक्रांतीय विधि व्यवस्था जर्मनी देशर संविधान रु ग्रहण करा जाइछि। सेहिपरि अर्धसंघीय व्यवस्था, अवशिष्ट क्षमता व्यवस्था, सुप्रीम कोर्टर परामर्शदायी क्षमता ओ भारत एक राज्य मानकर सम्मेलन इत्यादि कानाडा सांविधानिक व्यवस्था द्वारा प्रभावित। प्रश्न 5 नागरिकतार उदारवादी तत्व आलोचना कर, डिस्कस द लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। उत्तर, 16 शताब्दी मध्यरे नागरिक मानंकु स्वाधीनता बा स्वतंत्रता एवं निरापत्ता को उपभोग करिवार सुजोग देउथिला। कारण से ही समय रे नागरिकता एक आईनगत अभिजात्य बा लीगल स्टेटस रो मान्यता पाइथिला। थोमास हबस प्रथम राजनैतिक तत्ववादी थिले, जिए विचार करुथिले कि व्यक्ति एवं राजनैतिक संप्रदाय मध्यरे एक संपर्क रहिछि। एही संपर्क सर्वदा व्यक्तिर अधिकार को सुरक्षा देबा पई सतचेष्टा करिथाय, जेउ कारणरु ताकु प्रजा नागरिकता बा सब्जेक्ट सिटीजनशिप बोली कहा जाय थाए। थोमास हबस को मतर तो थोमास हबस को तत्व रे तांकर तर्क जहां राजा बा सम्राट कर अधिकार को प्रकृत क्षमतार अधिकार प्रदान करी किंचित स्थान कौनसी प्रकार नागरिकता को मिली पारिछि। तथापि थोमास हबस नागरिकतार इतिहास रे एक गुरुत्वपूर्ण स्थान अधिकार करिछंती, जहांकर अनेक तत्व सीधासलख भाव में अन्य जड़े नागरिकतावाद पुरोधा तथा तो प्राचीन उदारवादी दार्शनिक जन लॉक लेखार प्रतिफलित होता है। प्रश्न 6 उदारवादी और साधारणतंत्रीय नागरिकता कौन, ह्वाट इज लिबराल एंड रिपब्लिकन सिटीजनशिप। उत्तर, 1776 मसीहारे आमेरिका विप्लव एवं 1799 मसीहारे फरासी विप्लव आमेरिकन रिवल्यूशन ऑफ 1776 एंड फ्रेंच रिवल्यूशन ऑफ 1789 विश्व इतिहास रे दुईटी सुजोग भावे परिगणित होइथाए, जहां एक गणतांत्रिक व्यवस्था सृष्टि करिवारे सहायक होइ परिथिला। एही दुईटा जाक विप्लव निज निजर सांविधानिक व्यवस्था प्रतिष्ठा करिवारे सफल होइथिले। आमेरिका संविधान रे लिखित आमे सबु आमेरिकार लोक, वी द पीपुल अफ द यूनाइटेड स्टेट्स एवं फ्रांस रो मानविक अधिकार रो घोषणानामा दुईटी जाक प्रतिफलित करिथाए साधारण जनता ओ राजनीतिक नागरिक बा पॉलिटिकल सिटीजन को मध्यरे थिबा संपर्क को गणतांत्रिक उदारवाद रो समय देखा देला। वास्तव रे ऊनविंश ओ विंश शताब्दी प्रारंभ रे ऊनविंश शताब्दी रे उभय साधारणतंत्रीय ओ आईनगत नागरिकता मध्यरे गंडगोल बा युद्धर सूत्रपात होइथिला। साम्राज्य ओ नगर राज्य एम्पायर एंड सिटी स्टेट मध्यरे एक मध्यस्थतार सहर जाति राज्य मुंड टेकिथिला, जहाँफल यह एक प्रकार नागरिकता सृष्टि करिथिले, जहाँ जनप्रिय एवं आईनसंगत राजनैतिक अंशग्रहण ओ नागरिक अधिकार दे पारिथिला। प्रश्न 7 नागरिकतार विलोप संपर्क में धारणा दियो, गिव एन आइडिया ऑन लॉस ऑफ सिटीजनशिप। उत्तर, नागरिकता आहरण करिबा परि नागरिकता विलोप मध्य घटी थाए। निम्नलिखित कारण गुड़िक नागरिकतार विलोप निमन्ते दायी अटे, से गुड़िक हला ए जड़े महिला विदेश को विवाह कले
तार पूर्व नागरिकत्व लोप पाई थाए बी विदेशी सरकार अधीन चाकरी बा विदेशी सेना बाहिनी रे जोग देबा द्वारा नागरिकता विलोप घटी थाए सी देशद्रोही कार्य लिप्त रहिले किंबा देश में दीर्घ दिन धरी अनुपस्थित रहिले नागरिकता काढ़ी निया जाए थाए डी स्वेच्छाकृत भावे अन्य राष्ट्रर नागरिकता ग्रहण कले व्यक्ति को पूर्व नागरिकता हरेबाकु पड़िथाए ई एहा व्यतीत सेना बाहिनी रु पलायन राष्ट्र विरोधी गुप्त कार्य बा राष्ट्र विरुद्ध रे युद्ध रे योगदान कले नागरिकता रु वंचित हेबाकु पड़िथाए परिशेष रे जणे व्यक्ति निज इच्छा रे मध्य निज देश रे नागरिकता त्याग करी अन्य राष्ट्रर नागरिकता हासिल करिथाए प्रश्न 8 नागरिकता संबंध रे पुरातन ग्रीस रो धारणा कौन थिला व्हाट वाज द आइडिया ऑफ एंशिएंट ग्रीस ऑन सिटीजनशिप उत्तर ऐतिहासिक भावे नागरिकतार अर्थ पाश्चात्य राजनीतिक परंपरा रे व्यक्तिर एक साधारण अवस्था को बुझाई थाए जेउथिरे कि व्यक्ति किछि अधिकार ओ आनुगत्य मध्यरे आबद्ध होई एक राजनैतिक तथा सामाजिक सीमा मध्यरे अवस्थान करे जेउटा कि किछि दिन परिदर्शन रे आसीथिबा परिदर्शकक ठारु संपूर्ण अलगा होइथाय जे जी ए पोकक 1950 क मतरे एही प्रकारर नागरिकता धारणा निश्चित भाबे पुरातन समय रे जेमिति कि पुरातन ग्रीस ओ रोम रो नागरिकता धारणा परी जहाँ समय अनुसार साधारण तंत्रीय ओ उदाहरण रो आख्या पाइथला ग्रीक नागरिकता रो छाप राजनीति विज्ञान रो जनक अरिस्टोटल को द्वारा लिखित पुस्तक द पॉलिटिक्स रे उद्भासित जेउथिरे से एथेंस को नमूना राष्ट्र भाव रे ग्रहण करिछंती मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी भाव रे अरिस्टोटल अभिहित करिथिले कारण एक राजनीतिक परिवेश रे बंचिबा आम मनुष्य समाज रो प्रकृति वास्तवरे तांक मतरे केवल नगर राज्य बा सिटी स्टेट्स रे ही नागरिकतार वास्तव चित्र उपलब्ध होई पारिबो प्रश्न 9 राष्ट्र ओ नागरिक मध्यरे संपर्क आलोचना करो डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन उत्तर लास्किंग को मतरे गोटिए राष्ट्र प्रदान करुथवा तार अधिकार द्वारा ही परिचित होइथाय अधिकार व्यक्तिर व्यक्तित्व विकास पय सर्वोत्तम परिवेश सृष्टि करिथाय अधिकार व्यक्तिर सही समस्त दाबी बा आवश्यकता को सूचित करे जहां समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त ओ राष्ट्र द्वारा प्रदत्त तथा सुरक्षित होइथाय व्यक्ति अधिकार निरंकुश नुहे यह राष्ट्रर आईन द्वारा नियंत्रित सुरक्षित ओ निर्देशित अटे राष्ट्रर नागरिक उभय सामाजिक ओ राजनैतिक अधिकार उपभोग करिथाय जीवन धारणर अधिकार स्वतंत्रता ओ समानतार अधिकार शिक्षागत अधिकार धार्मिक अधिकार संघ गठनर अधिकार संपत्तिगत अधिकार चिंतन ओ प्रकाशनर अधिकार आदि सामाजिक अधिकार होइतिबा बेले निर्वाचन रे अंशग्रहण करिवार अधिकार भोटदानर अधिकार साधारण पदपदवी ग्रहण करिवार अधिकार सरकार को समालोचना करिवार अधिकार इत्यादि राजनैतिक अधिकार होइथाय गणतांत्रिक तथा जनमंगल राष्ट्र रे नागरिकर विकास प्रति राष्ट्र अधिक यत्नवान ओ क्रियाशील होइथाय प्रश्न 10 जातीय संघतिर गुरुत्व आलोचना करो डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन उत्तर जातीय संगति जाति पुष्पर सुदृढ़ वृंत जातीय संगति जाति पुष्पर सुदृढ़ वृंत जहाँ प्रत्येक स्तबक को दृढ़ भाव धारण करिथाए जातीयतार मधुर सुरभि को वितरण करे संगति जातीय विभेदर अवैध दुर्ग हेउची जातीय संगति नाना रंगर ओ नाना बासनार विविध पुष्पर सुंदर मालार गुंथन सूत्र हेउची एक जातीय संगति सेहिपरि जातीय विभेदर अवैध दुर्ग हेउची जातीय संगति नाना रंगर ओ नाना बासनार विविध पुष्पर सुंदर मालार गुंथन सूत्र हेउची एक जातीय संगति सेहिपरि धर्म भाषा संप्रदाय भितरे रहितिबा समस्त वैभव्य अभिन्न करी गढ़ी तोलिबार दक्षता अछि केवल एहि संगति बोधर जाति प्राण हेले संगति यहार ऐश्वर्य जाति महास्रोत हेले संगति यहार अजस्र श्रावी पवित्र रसधारा
ऐक्यबोध प्रतिष्ठा यार मौलिक उद्देश्य। भारत बर्ष एक विराट देश। इतिहास पृष्ठा सूचाई दिए जे आर्यभूमि वेदभूमि भारत बर्षर संहति बोध को एक प्राचीन निर्मल संस्कृति संपन्न देश भाव में भारतीय सांस्कृतिक चेतना विचित्र उपादान परिपूर्ण विभिन्न जाति बहु भाषाभाषी और नाना धर्मर लोक एठारे बास करती। भारतवासी को एकता सूत्र में आबद्ध कर रखापी चिंताशील भारतीय मैंने बहु आगर उद्यम कर अनैक्य मध्य ऐक्य और वैषम्य मध्य साम्य हूँ भारतीय संस्कृतिर विशेषत्व। भारतीय मानकर एकता को बजाय रखा निम्ते यार नद नदी सगर महासागर और गिरी पर्वत को धर्म सहित निविड़ भाव संश्लिष्ट कर दि जा। प्रश्न एगार भारतीय नागरिकर मौलिक कर्तव्य गुड़िक लेख। राइट द फंडामेंटल ड्यूटीज अफ द इंडियन सिटीजन। उत्तर भारतीय नागरिकर मौलिक कर्तव्य गुड़िक हैला ए देशर संविधान जातीय पताका एवं जातीय संगीत प्रति सम्मान प्रदर्शन करिबा बी स्वाधीनता संग्रामर मोहनीय आदर्श रे अनुप्राणित हेबा सी देशर सार्वभौमत्व एकता और अखंडतार संरक्षण और दृढ़ीकरण करिबा डी देशर प्रतिरक्षा पाई आह्वान आसिले जातीय सेवा प्रदान करिबा ई धर्मगत भाषागत गोष्ठीगत और आंचलिकता भित्तिरे सृष्टि विभेदतार ऊर्ध्वरे रही भारतर लोक मानंक मध्यरे ई धर्मगत भाषागत गोष्ठीगत और आंचलिकता भित्तिरे सृष्टि विभेदतार ऊर्ध्वरे रही भारतर लोक मानंक मध्यरे संगति और भातृभाव विकसित कराइबा ओ नारी मानंक प्रति अमर्यादा सूचक व्यवहार को त्याग करिबा एफ आमर मिश्रित संस्कृतिर महत्व ओ विराट ऐतिह्य को आदर करिबा ओ संरक्षित रखिबा जी प्राकृतिक परिवेष्टनी तथा वन ह्रद नदी ओ वन्यजंतुंकर संरक्षण ओ विकास करिबा एवं प्राणी मानंक प्रति दया प्रदर्शन करिबा एच वैज्ञानिक मनोभाव मानविकता जिज्ञासा मनोभाव और संस्कार पर आग्रह पोषण करिबा आई साधारण संपत्तिर रक्षणाबेक्षण करिबा और हिंसात्मक कार्य को परिहार करिबा जे जाति को उच्चतम सोपान रखिबा पई प्रचेष्टा और सफलता तथा उत्कर्षता हासिल सकाशे सबु क्षेत्र में व्यक्तिगत और सामूहिक उद्यम करिबा के प्रत्येक पितामाता निजर 6 वर्ष रु 14 वर्ष मध्य शिशु को मागणा तथा बाध्यतामूलक प्राथमिक शिक्षा प्राप्तिर सुजोग प्रदान करिबा। प्रश्न 12 मौलिक कर्तव्यर समालोचना गुड़िक लेख। राइट द क्रिटिसिजम्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। उत्तर मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार गुड़िए मुद्रार दुईटी पार्श्व अटंती। मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व अटंती। कर्तव्य संपादन माध्यम रे अधिकार उपभोग निमन्ते मूल्य प्रदान करा जाय थाए। मौलिक कर्तव्य गुड़ी को निम्नमते समालोचना करा गला ए एहा सुविस्तृत और सुविन्यस्त नुहे। नियमित कर प्रदान निर्वाचन रे साधुतार सह मतदान आदि गुरुत्वपूर्ण कर्तव्य एथिरे स्थान पाई नहीं बी एहा न्याय योग्य नुहे सी केतेक कर्तव्य सुस्पष्ट होइ नथिबारु सेगुड़िक साधारण लोकंक बोध शक्तिर बाहर रहिथांती डी मिश्र संस्कृतिर समृद्ध परंपरा मानववाद आदि कर्तव्य गुड़िक आत्मनिष्ठ बा सब्जेक्टिव होइथिबारु विभिन्न लोक ओ गोष्ठी एहार भिन्न अर्थ बाहर करिथांती ई मौलिक कर्तव्य को न्याय योग्य न करिबा फलरे यार वास्तव गुरुत्व ह्रास पाउची। एही क्षेत्र में स्मरण सिंह कमिटी सुपारिश को ग्रहण करा जाए नहीं। प्रश्न 13 मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति मध्ये पार्थक्य आलोचना करो। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। उत्तर मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति मध्ये प्रभेद गुड़िक हैला ए मौलिक अधिकार गुड़िक संविधान तृतीय भाग में वर्णित किंतु राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति समूह संविधान चतुर्थ भाग में वर्णित बी मौलिक अधिकार गुड़िक नास्तिवाचक यहाद्वारा नागरिक मानक अधिकार उपरे राष्ट्रीय हस्तक्षेप को निषिद्ध करा जाइछि
किंतु अन्य पक्षरे राष्ट्रीय निर्देशगुड़िक अस्थिवाचक नागरिक तथा समाज मंगल साधन निम्ते एही निर्देशावली गुड़ी कार्यकारी करिवार निर्देश दिया जाइछि। सी मौलिक अधिकार गुड़िक न्यायोचित मौलिक अधिकार क्षुण्ण हेले कौनसी व्यक्ति बा अनुष्ठान न्यायालय आश्रय नहीं पारे किंतु राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीतिगुड़िक नियोजित नुहे यह न्यायालय द्वारा सब्यस्त हो पारना यही नीतिगुड़िक सरकार पालन नक यह विरुद्ध कहीं न्यायालय आवेदन करे ना। डी मौलिक अधिकार गुड़िक राजनीतिक गणतंत्र प्रत्यय होता स्थले राष्ट्रनीति नियामक तत्वगुड़िक सामाजिक और अर्थनैतिक गणतंत्र प्रतीक अटे। ई मौलिक अधिकार गुड़िक नागरिक मानी उद्दिष्ट होता बेले राष्ट्रनीति नियामक तत्वगुड़िक राष्ट्रपाई उद्दिष्ट और यह समाज सामूहिक कल्याण साधन करें। एफ संविधान रे मौलिक अधिकार गुड़ी प्राधान्य दि जाए संविधान द्वारा स्वीकृति प्राप्त और न्यायपालिका द्वारा सुरक्षित किंतु राष्ट्रनीति नियामक तत्वगुड़िक मौलिक अधिकार ठार न्यून अटे यह न्यायपालिका द्वारा सुरक्षित नुहे। प्रश्न 14 भारतीय संविधान संशोधन पद्धति लेख राइट द एमेंडमेंट प्रोसेस अफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन। उत्तर संविधान एक निर्दिष्ट समय प्रणीत और संकलित मौलिक आईनगुच्छ अटे मात्र पृथ्वी परिवर्तनशील और प्रगतिशील अटे विवर्तन धारा अनुजाई राष्ट्रीय कार्यधारा व्यक्तिर जीवनधारा इत्यादि परिवर्तन देखा स्वाभाविक अटे यही परन सह खाप खुआई चलने संविधान परिमार्जित और संशोधित होगा उचित यहाद्वारा संविधान प्रगतिशील और जुगोपयोगी होता है। ठीक यही दृष्टि पृथ्वीर प्रत्येक देशर संविधान को संशोधन करजार व्यवस्था रही केतेक क्षेत्र में यह संशोधन पद्धति जटिल होता बेले अन्य केतेक क्षेत्र में अत्यंत सहज पद्धति संशोधन कार्य करें प्रथम पद्धति को अनमनीय बा रिजिड पद्धति और द्वितीय पद्धति को नमनीय बा फ्लेक्सिबल पद्धति कहुए। भारतीय संविधान संशोधन पर निर्दिष्ट व्यवस्था 368 धारा वर्णित हो। डॉक्टर आंबेडकर मतरे कानाडा परी एठारे लोक मानू संविधान संशोधन पर क्षमता दि जाए ना मात्र संशोधन पद्धति को अत्यंत सरल बा नमनीय करा जाए। देशमुख मतरे संविधान रूपक जहाजरे वायु और ढेउ चलन पर व्यवस्था न रहिले यह ध्वंस पाइबा कि असंभव नुहे। प्रश्न 15 भारतीय संविधान मौलिक वैशिष्ट आलोचना कर। डिस्कस द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उत्तर संविधान गोटे राष्ट्रर मौलिक तथा सर्वश्रेष्ठ आईन ग्रंथ अटे। भारतीय संविधान केतेक मौलिक वैशिष्ट्य रही जहाँ या विश्वर अन्न्य संविधान ठार पृथक करें। ए विश्वर सर्वबृहत लिखित संविधान। बी मुखबंध। सी संसदीय शासन व्यवस्था। डी नमनीय और अनमनीय मध्य समता। ई केन्द्रीकृत राष्ट्रसंघ। एफ मौलिक अधिकार। जी निर्देशात्मक राष्ट्रनीति। एच मौलिक कर्तव्य। आई स्वाधीन न्यायालय। जे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। के एकक नागरिकत्व। एल जनमंगल राष्ट्र। एम सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा। एन द्वि सदनीयता इत्यादि। अध्यापक जेनिस भाषा समस्त संविधान गुड़िक अतीतर उत्तराधिकारी और भविष्यतर परीक्षाकारी अटंती। यह दृष्टि भारत संविधान उपरोक्त मुख्य वैशिष्ट गुड़िक अतीतर क्रमगत उद्यमर फल जहाँ भविष्यतर दिग्दर्शक और निर्णायक अटे। प्रश्न 16 केन्द्रीकृत राष्ट्रसंघ उपरे सम्यक विवरणी दियो। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑन यूनिटरी फेडरेशन। उत्तर भारतीय संविधान को संघीय प्रकृतिर बोली कहा जाए अर्थात गठन दृष्टि भारतीय संविधान एक राष्ट्र संघीय संविधान अटे। राष्ट्रसंघर चारोटी उपादान यथा ए लिखित अनमनीय संविधान। बी द्वैत सरकार। सी क्षमतार विभाजन एवं डी स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय आदि एठार रही। सांविधानिक क्षमतार विभाजन हेतु केन्द्र और राज्य सरकार माने निज निजर क्षमता परिसर मध्य दायित्व तुलाई थांती तथापि भारतीय राष्ट्रसंघ को केन्द्रीकृत राष्ट्रसंघ बोली समालोचना करा जाए कारण भारत रे केन्द्र रे केन्द्र सरकार और राज्य मध्य राज्य सरकार रही मात्र राज्य मानकर क्षमता को अनेक समय केन्द्र सरकार क्षुण्ण करें। जरूरी परिस्थिति घोषणा करी
केन्द्र सरकार राज्य मानकर स्वतंत्र क्षुण्ण करिथांति। राज्यपाल सर्वभारतीय सेवा व्यवस्था संगठित न्यायालय एकक नागरिकता माध्यम केन्द्रीय आधिपत्य वृद्धि प्राप्त होइथाए। भारत विभाजन और विच्छिन्नतावादी मानक कबल देश को रक्षा करने ए देशर एकता और अखंडता रक्षा करने निम्ते राष्ट्रसंघ में केन्द्र सरकार को क्षमता दि जा। प्रश्न 17 भारतीय संविधान आभिमुख्य गुड़िक लेख राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उत्तर भारतीय संविधान प्रस्तावना फरासी विप्लव द्वारा घोषित आभिमुख्य स्वातंत्र समानता और भ्रातृभाव गुड़ी निजर आभिमुख्य रूपे प्रतिफलित करिबा संगे संगे न्यायर साधन निमित्त मध्य लक्ष्य रखी। भारतीय संविधान आभिमुख्य गुड़िक हैला ए न्याय, बी स्वातंत्र, सी समानता, डी भ्रातृभाव, इ व्यक्तिर व्यक्तित्व प्रति सम्मान प्रदर्शन, एफ जातीय एकता और संहति। उपरोक्त आभिमुख्य गुड़िक संविधान प्रस्तावनार गुरुत्व बहन करिथाए। लॉर्ड हालिसबरी मत प्रकाश करिथिले जे प्रस्तावना संविधान आभिमुख्य लक्ष्य को प्रकाशित करिथाए। प्रश्न 18 संसदीय शासन व्यवस्था संबंध में धारणा दि, गिव एन आइडिया ऑन पार्लियामेंटारी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। उत्तर भारतीय संविधान ब्रिटेन रो संसदीय शासन पद्धति को अनुकरण करिछि, तेणु भारत राष्ट्रपति नामक मात्र शासक अटंती। मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री वास्तव शासक रूपे कार्य करती। राष्ट्रपति नाम से शासन परिचालित हुए, मात्र से शासन करती ना। मंत्री मैंने शासन क्षेत्र में प्रत्येक कार्यपाई व्यवस्थापिका निकट में दायी रुहति। संसदीय सरकार में मंत्री मैंने सहयोगी भाव शासन परिचालना करते व्यवस्थापिका और मंत्रिमंडल मध्य सहयोग और समन्वय स्थापित होता है। मंत्रिमंडल संसदर आस्थाभाजन होता जाए दायित्व रहे, ता अनास्था प्रस्ताव मध्यम मंत्रिमंडल को दरखास्त करने दायित्व संसद उपभोग करें। संसद लोकप्रतिनिधि सभा होइतिबारु एहा शासन व्यवस्था अन्यान्य विभाग अपेक्षा अधिक क्षमता उपभोग करें। भारत दीर्घ दिन धरी ब्रिटिश संसदीय शासन संस्पर्श में आसवा फल संसदीय शासन व्यवस्था प्रचलन करागला। प्रश्न 19 सामाजिक न्याय कौन, व्हाट इज सोशल जस्टिस। उत्तर समाज में बास करुवा लोक मैंने अधिकार और स्वार्थ को संरक्षित करने प्रणाली को सामाजिक न्याय कहुए। जाति धर्म वर्ण समाज में बास करुवा लोक मैंने अधिकार और स्वार्थ को संरक्षित करने प्रणाली को सामाजिक न्याय कहुए। जाति धर्म वर्ण लिंग और बासस्थान निर्विशेष समस्त को सुविधा सुजोग प्रदान सामाजिक न्याय माध्यम अटे। समाज दुर्बल श्रेणी और दारिद्र्य जर्जरित व्यक्तिर उन्नति साधन और शोषण मुक्ति यार लक्ष्य अटे। भारत संविधान चतुर्थ खंड में वर्णित राष्ट्र नियामक तत्व भारत में सामाजिक न्याय प्रतिष्ठा पर प्रतिश्रुतिबद्ध। एक उदारवादी समाज में शोषण अत्याचार और वैषम्य आदि दुर्बलतार प्रतिरोधक हिसाब से सामाजिक न्याय कार्य करिथाए। एहा एपरि एक सामाजिक व्यवस्था को सूचित करे जेउटी समान स्थिति रे समस्ते व्यक्तित्व विकास पाई समान सुविधा प्राप्त होती। यह राष्ट्रीय आईनगत हस्तक्षेप द्वारा मनुष्यकृत असमानता आदि दूर करने उद्यम करिथाए। यह व्यक्तिर अधिकार और सामाजिक नियंत्रण मध्य समन्वय स्थापन करे। यह भारत परि जनमंगल राष्ट्रर मौलिक नीति अटे। प्रश्न 20 नागरिकता आहरण करिवार उपाय मन आलोचना कर, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। उत्तर नागरिक कहिले गणतांत्रिक राष्ट्रर अधिवासी को बुझाई थाए। नागरिक हेबार योग्यता को नागरिकता कहा जाए। गोटे राष्ट्र में जो मैंने स्थायी भाव बसवास करती और राष्ट्रपति आनुगत्य प्रकाश करती से नागरिक कहा जाए। अण नागरिक मानक व्यक्ति सावालोक है नागरिकता प्राप्त होता और विदेशी मैंने स्वतंत्र पद्धति नागरिकता अर्जन करती। नागरिकता आहरण करार उपाय गुड़िक है जन्मग्रहण द्वारा प्राकृतिक नागरिकता निम्नलिखित दुईट नीति अनुसार परिचालित होते सेगुड़िक है रक्त संपर्क नीति और जन्मस्थान नीति। मंजूरी प्राप्त द्वारा बाय रेकग्नाइजेसन यह साधारण भाव निम्नलिखित उपाय द्वारा लाभ होता है, एक दीर्घ दिन बास, दुई विचार, तीन स्वेच्छाकृत घोषणा।